हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत का अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो ये आप देख ही रहे स्क्रीन पे, ये टेक्निक आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने इस तक किया है फ्रेंड, इसी तरह करनी है। इस तक नहीं किया है क्योंकि ये रिपीटेशन होगा, इस तरह रिपीटेशन होगा, तो इसके लिए मैंने नहीं इस जगह में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। मैंने ये वाला जो दोरी है इसे यूज़ किया है, सिंपल सा एक नैरो दोरी बनानी है। और नहीं तो बाजार में इसी तरह दोरी मिलता है, कलर वाइज बहुत कुछ मिलता है, और ये आईलेट देकर बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। और एक बात बता दूँ, ये डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। आप लोग दिख रहा है ये कैसे बना है, मगर मैं बोल रहा हूँ बहुत ही सिंपल है। सभी कुछ सभी में भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, सभी ने ये बना सकते हो। और इस तरह का अगर टेक्चर हो आपके पास, यानी कि कुछ कपड़ा में इसी तरह डिज़ाइन करें और वो कपड़ा देकर कुछ बनाए फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग दिखेगा। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। तो फ्रेंड, आप लोगों ने जो डिज़ाइन देखा है, तो उसे करने के लिए सबसे पहले कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा। तो इसी तरह पॉइंट आउट करनी है इसका, ऐसे करके और यह से ऐसे। तो एट फर्स्ट ड्राइंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने इसे तो कर लिया है और ड्राइंग कर लिया है। आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ड्राइंग, तो जब हम इसे करेंगे एक एक करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ, इसी तरह एक वेव किया है नीचे से, इसी तरह क्रॉस वेव किया है और इधर भी किया है, और ये एक होल होगा जो आईलेट हम देते हैं ना आप लोगों को, हमारे चैनल में दिखेगा। इसी तरह आईलेट मैंने बहुत यूज़ किया है और किस तरीके से करना है दिखा है, तो इसमें भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरह एक आईलेट चाहिए आप लोगों को ये डिज़ाइन करने के लिए, इसी तरह एक आईलेट चाहिए, ये बाजार में मिल जाएगा आप लोगों को। और ये देखिए, ये 500 होता है, एक इसी तरह होता है, और ये होल करता है और ये फिनिशिंग करता है। तो चलिए मैं दिखा दूँ, और कंप्लीट होने के बाद लगभग इस तरह दिखेगा, ये पीछे से इस तरह दिखता है और आगे से इस तरह दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे करने के लिए नीचे इसी तरह पीस बोर्ड में दे रहा हो, आप चाहे प्लाई वगैरह आप यूज़ करिए उसमें अच्छा होगा। मैं तो एक पीस देखकर दिखा रहा हूँ, इसलिए इस तरह कैसे कर रहा हो। और हथौड़ा से इसके ऊपर इसी तरह होल करना है, इसी तरह ये देखिए ये होल हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने इसी तरह होल कर लिया है इस जगह में, और उसके बाद इसी तरह आईलेट को इसके ऊपर से देनी है इसी तरह, और उसके बाद नीचे फिर से इसी तरह कुछ नरम वगैरह आप कोई प्लाई वगैरह रखिए नीचे, और उसके बाद हमारा जो दूसरी जो पांच से, ये पांच से हम इसके ऊपर दे देंगे और उसके बाद इसी तरह करेंगे। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आ गया है। और ये सब करने के लिए आप प्लाई में करेंगे और भी अच्छा होगा, और हथौड़ा चाहिए। हमारे पास हथौड़ा फिलहाल इस वक्त नहीं है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग हथौड़ा से करेंगे अच्छा होगा। तो ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा इसी तरह करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम इसी तरह दूसरे कपड़ा में हम इसी तरह एक सेटअप दिख लेंगे, और देखिए इतना बड़ा करके हमने लिया है। और उसके बाद हमें क्या करनी है, और ये वाला जो हिस्सा है हम इसके ऊपर हम जैसे ड्राइंग किया है उसी तरह हम इसे लगाएंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूँ, आप लोग अगर देखेंगे बहुत जगह में ये मशीन काम नहीं करेगा, तो उस वक्त फ्रेंड आप लोगों को क्या करनी है, जैसे कि ये अगर आईलेट अगर थोड़ा सा नज़दीक से आप लगाएंगे तो ये दोनों फुटर नहीं जाएगा इस तरफ से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो फ्री हैंड वाला जो स्टिच है उससे वो टेक्निक को आप लोग यूज़ कर सकते हो।
इसे इसी तरह कर, देखिए इस जगह में सेम गलती हो रहा है और मैं क्या करूँगा, देखिए इस तरीके से इसे उठाकर भी हमने इसे अगर अपने करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं इसी तरह उठा कर भी। ये देखिए ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह उठाकर भी आप लोग कर सकते हैं और नहीं तो हैंड स्टिच से भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए ये पूरा करके उसके बाद में दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो एक आप इस तक ही कर सकते हो आप लोग, जैसे कि ये टेक्निक बन गया है। तो फ्रेंड मैं इससे आगे भी और दिखाना चाहता हूँ आप लोग, ये तो एक आप इसी तरह भी टेक्निक यूज कर सकते हो और मैं चाहता हूँ दूसरा जो टेक्निक हम जो दिखाने वाला हूँ इस डिज़ाइन में वो तरीका ये है, और ये अंदर से आप करें और ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसी तरह आप इसे कट कर दीजिए, ये अंदर में डाल दीजिए और इसी के साथ और एक हिस्सा ये भी अंदर से जाएगा और एक इसी तरह जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं जो डिज़ाइन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं इसी तरह दिखाने वाला हूँ और फिर से आप रिपीटेशन करें इसी तरह ऐसे। तो ये इसी तरह ऑल्ट्रेशन होगा, फिर से देखिए फिर से हम अगर करना चाहते हैं तो इसे हम कट कर देंगे और फिर से हम दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए और ये दोनों में मिडिल से पहले से करके रख रहा हूँ इसी तरह। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह आप लोगों को रिपीटेशन देना है और इस डिजाइन में फ्रेंड और आप लोगों को और एक बात जो कहनी है फ्रेंड, तो नीचे में से जो आता है आप लोग चाहे जो हैंड शू है ना, तो हैंड सुई से फ्रेंड इस जगह में थोड़ा सा आप टक दे सकते हो, इस जगह में थोड़ा सा आप जो हैंड सुई है उसे आप टक दे सकते हो इस जगह में और इसी तरह देने से इस जगह में वो एकदम पका हो जाएगा। तो देखिए और अगर नहीं देंगे टक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस वीडियो में इससे आगे मैं नहीं दिखाऊंगा। और ये इसी तरह भी आप लोग कर सकते हो, ये इसी तरह रिपीटेशन होगा। तो चलिए इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड शेयर और लाइक इस वीडियो को ज़रूर करिए और जो लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया है फ्रेंड अब तुरंत हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह टेक्निक और फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड और भी बहुत कुछ हमारे चैनल में है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते जाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड साइड में जो बेल वाला बटन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ आप हमारा जितना सब्सक्राइबर
पर और जो विजिटर्स है सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, अब इतना लाइक करिए, मिनिमम 2000 लाइक तो करिए ताकि जब हम नया मोटिवेशन मिले और नया वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ। तो चलिए आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक अ शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।